अपनी आवाज उठाते हैं, ऐसा हमारा शेर आज आप लोगों के बीच तशरीफ फरमा है। मैं 11 नंबर के तमाम माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा कि फिरकावारी ताकतों को रोकने के लिए हमें सेकुलर पार्टी को चुनने की जरूरत है। इसीलिए अपील करने के लिए आज आरिफ नसीम खान साहब और मैं खुद यहां तशरीफ लाया हूं। मेरे भाइयों, आज माहौल बहुत खराब है। हम देख रहे हैं किस तरह से अल्पसंख्यक समाज पे, दलित समाज पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, यहां तक कि हमारी शरीयत, हमारा आईन भी महफूज नहीं है। आज आप ये सोच रहे होंगे कि कॉरपोरेशन चुनाव में हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन चुनाव, नगर निगम के चुनाव या जिला परिषद के चुनाव ये बुनियादी है। ये बुनियाद अगर हमारी कमजोर होगी तो इमारत कैसे मजबूत होगी, तो इस बुनियादों को हमें मजबूत करना है। इसलिए आप इस चुनाव में सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें। आज जिस तरह आपने देखा होगा कि दूसरे लोग और पार्टी के लोग खड़े हैं, आज हम चाय वालों को तो जानते हैं मगर चाय का और कपबसी का रिश्ता बहुत पुराना है। इसे भी याद रखिए, जो कपबसी का रिश्ता है वो चाय वाले के साथ भी हमेशा रहता है। तो ये फिरका परसी ताकतों को मजबूती काम करने का, उनके हाथ मजबूत करने का काम करते हैं और सेकुलर पार्टी को खत्म करने का काम करते हैं। आज जिस तरह का माहौल है इसे देखते हुए मेरे मन में ये आशार आते हैं कि तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तक तो ताज का यहाँ हकदार कौन है, नफरत का जहर घोल दिया किसने हिंद में, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है। तो मेरे भाइयों, इस बदली हुई फिजा के गुनहगारों को आप पहचानिए, जो ये हवा में नफरत फैली हुई है और इस नफरत की हवा से जिस तेजी से ये पतंग उड़ रही है, आप इसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि जितनी ऊंचाई पे ये पतंग जा रही है, इसके जो मांझा है, ये बादामी रंग का जो मांझा है, ये बीजेपी का है, आरएसएस का है। तो उसकी मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसकी पतंग तो अल्लाह ही काटेगा। तो इनकी तो मंसूबे है, सारी दुनिया जान चुकी है इन एजेंटों को, इन दलालों को। इन दलालों को रोकने के लिए कांग्रेस को और इसके सहयोगी पार्टियों को, राष्ट्रवादी को आपको मजबूत करना होगा। इसी अपील के साथ हमारे महाराष्ट्र के नेता, हमारे जाने माने, सबके हमारे सरप्रस्त आरिफ नसीम खान साहब को मैं दावत दूंगा कि आपसे अब रूबरू मुखातिब हो।